पूछो भाई, जबलपुर निर्बल पुल तो है ही नहीं। जबलपुर है या निर्बल पुल है? है जबलपुर है, बीके में जबलपुर है या एडवांस में जबलपुर है? एडवांस में जबलपुर है। तो ज्ञान की बातें होती हैं, चट चट चैट होती है, चटावटी होती है, तो निर्बल पड़ जाते हैं कि जबल हो जाते हैं? हाँ जबल हो जाते हैं। हाँ सुनने वाले भाग जाते हैं? हाँ सुनने वाले आ भी जाते हैं, लड़ाई नहीं करते? अच्छा हाँ जी बाबा, मेरे को समझित हो गया ना आपकी बात, आप पर्सनल बात नहीं पूछिए, आपकी बात का जवाब दे दिया। हाँ ज्ञान की बात है पूछो। चार युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हाँ इसका क्या बात है? इसका मतलब ये है कि पहले हम हनुमान कौन है सो समझ लें। क्या है क्या समझ लें? हनुमान कौन है? मान मर्तबे का हनन करने वाला कौन है? बड़े बड़े आदमियों का मान मर्तबा होता है या छोटे आदमियों का? बड़े बड़े आदमियों का मान मर्तबा होता है। तो ऐसे जो बड़े बड़े अहंकार में रहते हैं उनके मान मर्तबे को हनन करने वाला हनुमान है, जो रावण जैसे बड़े बड़े प्रकांड विद्वान है। अहंकार होता है कि नहीं उनमें? बहुत अहंकार होता है। अब पहली एक बात का जवाब तो सुन लो, तो लंबडोर लगाए। तो जो बड़े बड़े आदमियों का मान हन करने में उस्ताद होता है उसका नाम है हनुमान, और वो मान मर्तबा हनन करने वाला साकार शरीरधारी होता है या आकारी शरीरधारी होता है? साकार शरीर में ज्यादा ताकत होती है कि आकारी शरीर में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म आकारी माने सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है या साकारी स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली कौन सी आत्मा है जो ब्राह्मणों में सबसे पावरफुल मानी जाती थी, लेकिन अब स्थूल शरीर छोड़ चुकी है? हाँ ब्रह्मा बाबा। लोग कहते हैं ब्रह्म राक्षस बड़ा बलवान होता है, हाँ होता है ना, तो वो ज्यादा पावरफुल आत्मा जो है वो बड़े बड़े आदमियों का मान मर्तबा हनन कर रही है हनुमान बनकर के। जो रावण संप्रदाय हैं बड़े बड़े, उनका भी मान मर्तबा हनन कर देती है। बाहुबली होते हैं कि ज्ञानबली होते हैं? बाहुबल वाले होते हैं, बड़े बड़े धनाढ्य होते हैं, करोड़पति अरबपति संपत्ति वाले होते हैं। पुलिस का बल बहुत दिखाते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों का बल बहुत दिखाते हैं। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं। प्रशासन का बल बहुत दिखाते हैं, ये सब बाहुबल का मान मर्तबा धारण करने वालों को, उनके मान मर्तबे को चूर चूर करके प्रैक्टिकल कर्म ऐसा करके दिखाते हैं कि उनका नाम हनुमान पड़ता है।
तो हनुमान पार्ट किसका हुआ जिसने पूंछ से लंका में आग लगा दी रावण की लंका में? है? अरे हनुमान का कौन सा काम प्रसिद्ध है? हनुमान ने अपनी पूंछ से लंका में आग लगा दी। पूंछ किसे कहा जाता है? अरे देह में कोई अंग में हरकत आ जाती है ज्यादा, है? आंख में हरकत आती है, लाल लाल हो जाती है, हो जाती है कि नहीं? है? वाचा में मुंह में हरकत आएगी तो उल्टा पलटा धार धार जोर जोर से बोलने लग पड़ेगा। कोई भी इंद्रिय में जब जोर से हरकत आती है तो देहभान आ जाता है, देहंकार आ जाता है, तो देहभान की पूंछ कही जाती है। हनुमान की पूंछ काहे की पूंछ थी? बकरी की पूंछ थी या बंदर की पूंछ थी? बंदर की पूंछ थी। क्या प्रसिद्ध है? कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, अलंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। ऐसी ऐसी किंवदंतियां बनाई हुई है। असली बात यह है कि उनकी देह अभिमानी की पूंछ में, उस इंद्रिय में जो पूंछ के समान होती है, उसमें ढेर के ढेर रावण की नगरी के सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर कन्याएं माताएं रूपी वस्त्र बांध दिए गए। वस्त्र बांधे गए ना, बांध दिए गए। और फिर उसमें तेल डाला गया, घी नहीं डाला गया। घी एक अभिविचारी परमात्मा की याद को कहा जाता है घी, क्या? और व्यभिचारी याद को कहा जाता है तेल। तो जितना भी तेल था, तेल बोर पट बांध कर पावक देह लगाए, पूंछ में कपड़े बांधे गए सारी लंका के, चैतन्य कपड़े या जड़? चैतन्य कपड़े बांधे गए, जितने भी वस्त्र थे सारे राक्षस राक्षसियों ने लगा दिए। और फिर क्या हुआ? उसमें आग लगा दी। कौन सी आग लगा दी? काम विकार की आग लगा दी। और बड़े बड़े आदमियों ने जो अपने कपड़े अर्पण किए हुए थे उस पूंछ में, वो सब जोर से क्रोध में आने लगे। तो क्रोध में आएंगे तो दिल जलेगा या शांत चित्त रहेंगे? जलेगा। बड़े बड़े आदमियों की कन्या माताएं भी अर्पण हो जाती हैं और उस पूंछ में आग लगती है, सब जल मरते हैं। जल के कपड़े राख होते हैं कि पूंछ राख होती है? कपड़े राख हो जाते हैं, पूंछ फिर भी बची रहती है। तो जो बड़े बड़े आदमियों का मान मर्तबा है वो सब क्या हो जाता है? खलास हो जाता है। उसी की यादगार में तिरुपति में सरमुंडन कराने जाते हैं। जो भी जाएगा क्या करा के आएगा? जैसे माया इस समय माथा मोड़ती है ना, भगवान ने माया को क्या ऑर्डर दिया है कि जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ, खूब उनके माथा मोड़ो। तो तिरुपति में माथा का मुंडन दिखा दिया है और रावण की लंका में हनुमान की पूंछ में आग लगी हुई दिखाई दी। इस तरह बड़े बड़े लोगों का भी मान मर्तबा खत्म हो जाता है।
तो हनुमान कौन हुआ? ब्रह्मा वाली सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा, जिसको शास्त्रों में बलराम कहा गया है। क्या कहा गया है? बलराम का हथियार देखा है? नहीं देखा क्या? हल। हल क्या करता है? धरणी चीरता है। धरणी किसे कहा जाता है? कन्याएं माताएं ही धरणी कही जाती हैं ज्ञान में। वो बलराम का वो हथियार है। बलराम कहो, हनुमान कहो, ब्रह्मा की सोल कहो, सत्यु में कृष्ण में के रूप में जन्म लेने वाला कहो, वो बड़ों बड़ों का मान मा हर मर्तबा हनन करने वाला है। शिव बाबा प्यार का सागर है या दूसरों को नीचा दिखाने वाला है? शिव बाबा तो प्यार का सागर है। तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया? हाँ मिल तो गया। अब दूसरा कुछ तुम बीच में पूछ रहे थे, सो बताओ। हो गया। अच्छा, बीच में नहीं पूछना अब। हाँ और अब एक ही बात पूरी हो लेने तो फिर तुम पूरी रामायण पढ़ोगी तो कैसे होगा? जब जब प्रभु धर मनुज शरीरा, जब जब भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया, तो हरियुग में धारण किया या सिर्फ चारों युगों के बाद अंतिम कलयुग में धारण किया या त्रेता में धारण किया? कब धारण किया? कलयुग के अंत में संगम युग में भगवान ने मनुष्य शरीर धारण किया, तब मनुष्यों के पाप हरे। ये हर कल्प में मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, इसलिए बोला जब जब, कब कब? हर कल्प के अंत में मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। मनुष्य उसे कहा जाता है जो मन का उपयोग करता है। काय का उपयोग करता है? मन का। इंद्रियों का उतना उपयोग नहीं करता। इंद्रियां कितनी है? 10 इंद्रियां। मन इंद्रिय नहीं है? मन भी इंद्रिय है, लेकिन वो सूक्ष्म इंद्रिय है। क्या? हाँ, न कर्मेंद्रिय है न ज्ञान इंद्रिय है, लेकिन सूक्ष्म इंद्रिय है। ऐसी सूक्ष्म और पावरफुल है कि उसका मिसाल ब्रह्मा से दिया गया है। किसे दिया गया? ब्रह्मा मन है। उस इंद्रिय के बगैर कोई इंद्रिय अपना भोग भोग ही नहीं सकती। क्या नहीं समझे? कोई भी इंद्रिय से जब हम भोग भोगते हैं, अगर मन उसमें नहीं लगेगा तो भोग भोगा हुआ याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। जैसे कोई महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाने में जा रहा है, आंखें खोल के जा रहा है, रास्ते में महबूबा की याद में चला जा रहा है, 20 लोग उसकी आंखों के सामने से गुजर गए, उससे आखिर में पूछा जाता है तुमने रास्ते में आते जाते किसको को देखा? तो कहता हमें याद नहीं है किसको देखा। क्यों नहीं देखा? क्या रास्ता आंखें खोल के नहीं देख रहा? बंद आंखें करके जा रहा था, आंखें खोल के जा रहा था ना, फिर उसे याद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मन महबूबा में लगा हुआ था। आंखों के सामने से जो गुजर गए उनमें मन था ही नहीं। तो ऐसे ही जैसे आंख का मिसाल दिया, ऐसे ही और इंद्रियों का भी हिसाब है।
अगर मन को उन इंद्रियों के विषय भोग में लगाएंगे तो वो विषय भोग याद आएंगे, फिर कर्म बंधन बंध जाएगा। अगर मन परमात्मा बाप की याद में लगाएंगे तो कर्मों का हिसाब किताब बनेगा ही नहीं। कर्म अगर कुछ होंगे भी तो वो भी भस्म हो जाएंगे। इसलिए बोला कि जो मन का उपयोग करता है वो मनुष्य है। तो भगवान ने जब रावण से युद्ध किया तो सबसे ज्यादा किसका सहयोग लिया? विभीषण का सहयोग लिया। विभीषण रावण से ज्यादा पावरफुल हुआ क्या? है हनुमान का सहयोग नहीं लिया? हनुमान का सहयोग लिया। हनुमान माने ब्रह्मा की सोल, ब्रह्मा वाली आत्मा दादा है। क्या 500-700 करोड़ जो सृष्टि के पत्ते हैं उनमें बड़ा पत्ता है पहला पत्ता, तो सब पत्तों का दादा है या नहीं? दादा है। और बाप कौन है? सब पत्तों को जन्म देने वाला बाप कौन? बीज कौन? प्रजापिता। तो वो राम वाली आत्मा हो गई बाप और ब्रह्मा वाली आत्मा हो गई दादा। ये बाप दादा दोनों एक ही शरीर में कंबाइंड हैं। क्या तो असली मनुष्य तो वो है जो मन का उपयोग करता है। जानवर तो मन का उपयोग नहीं करते। और पहले आई में तो गंगा का नाम पहले गंगा का नाम गंगा का नाम बाला ज्यादा है। गंगा का नाम बाला है। गंगा ने सेवा ज्यादा की है और यमुना ने ज्ञान तो पहले लिया लेकिन सेवा ज्यादा नहीं की। इसलिए यमुना का उतना गायन नहीं है। और बाबा घर में मुरली देरी नहीं सुन पाते, माता जी हम क्या जाते जो बच्ची है और हम लोग जाते मुरली सुन सकते हैं? बच्ची नहीं की है? बच्ची तो की है। बच्चियों ने बच्ची नहीं की है तो फिर क्यों नहीं सुन सकते? मुरली सुनने के लिए कहीं मुरली चलती है, कथा होती है भगवान की, तो कोई कथा में आने जाने से मना करता है क्या? फिर क्या बात, क्यों पूछ रहे? इसलिए पूछ रहे कि आप श्रीमत में है कि नहीं? हमारी श्रीमत में है कि नहीं? भाइयों को बाबा माता जो तेरी में और दोपहर में अब भाई भाई के लिए बाबा श्रीमत। अच्छा क्लास में कन्याओं माताओं का क्लास चल रहा है और कन्याओं माताओं की क्लास में कोई अकेला भाई बैठा है तो बैठना नहीं चाहिए, भाई को खुद ही नहीं बैठना चाहिए। हाँ जहाँ दो भाई हो तो बैठें, क्योंकि दो बैल होंगे कोई गड़बड़ करेंगे तो लड़ पड़ेंगे, एक होगा तो मनमानी करेगा। चलो अब तो बोलने जा रहा है बाबा, ये भी दूर पड़ता है ना, बहुत दूर पड़ जाता है। कितनी दूर पड़ता है? और अपने पास कोई वाहन नहीं है, मन का वाहन। वो कितनी दूर पड़ता है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर में एक दिन 15 किलोमीटर आ जाओ साइकिल से। नहीं महीने में तो आ जाते। नहीं 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 15 किलोमीटर साधन कुछ नहीं है? साधन है, साधन है लेकिन अपने समय नहीं मिलता। अरे क्या साधन है? यही ऑटो वगैरह चलती है। सिर्फ
कैसा ऑटो चलता है? तो अभी डायरेक्ट ऑटो नहीं मिलती, बस है तो हर जगह हर जगह चलती है, बदलना पड़ती है ऑटो नहीं, बस है, बस है तो हर जगह चलती चलती है, लेकिन कहीं कहीं नहीं चलती। ऐसा तो कोई जा, जबलपुर तो मुख्य शहर है, हाँ जबलपुर में सब तरफ के गांव से नहीं भी क्या काम ऐसा है कि बंद करना पड़ता है? नहीं ये मेरी मतलब महीने एक बार है, लेकिन उर्मिला माता कहाँ है, 8 दिन में 15 दिन में जाता है। हाँ ठीक है, और दो बच्चे हैं उनमें भक्ति कर रही हूँ, मतलब मुझे नहीं आ रहा है, ला सकते जबरदस्ती नाक पकड़ के लाएंगे क्या? खुद मना कर देते कि आप चाहते नहीं गीता पाठ करना है, बरहंगे तो मतलब मैं जब क्लास ही नहीं करते तो बाबा के संगठन कैसे आएंगे? बाबा तो कहते 2 महीने तक बच्चा क्लास करता ही नहीं है, बाबा से कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो बच्चा मर गया। 12 साल का है, 1 साल का। हाँ हाँ कितने साल का भी हो है तो आत्मा, हाँ तो मुरली तो रोज सुने ना, घर में सुनते, घर में सुनते, इसका क्या प्रूफ? कम से कम 2 महीने में एक बार तो जा सकता है, दूर भी है तो 2 महीने में, 1 महीने में एक बार जा सकता है कि नहीं जा सकता है? अरे उसकी दिल ने सुनने की दिल ही नहीं है, आप क्यों जोर लगा रहे? वो आत्मा अलग, आप आत्मा अलग, लगाव लगा हुआ है क्या? जबरदस्ती नाक पकड़ के लाओगे क्या? वो नहीं आना चाहता है तो क्या करोगे? मुसलमान जबरदस्ती ब्राह्मण मुसलमान बनाते हैं ब्राह्मणों को, या ज्ञान सुना जी बनाते हैं? मुसलमान धर्म परिवर्तन करते हैं, अपने धर्म में ले जाते हैं तो जबरदस्ती ले जाते हैं, तलवार उठा के ले जाते हैं मुसलमान बनाते हैं, या ज्ञान सुना के सहज सहज बनाते हैं मुसलमान? जबरदस्ती ज्ञान तलवार नहीं है उनके पास, स्थूल तलवार दिखाते हैं, खप से मार देते हैं, चलो तो चलो, नहीं मानो तो हम मार देंगे। तो आप उनकी आत्मा को मार के लाएंगे क्या? हैं? उनकी स्वेच्छा से चलने दो, जब उनकी दिल हो तो आ जाएंगे। समझाना आपका काम, नाक पकड़ के लाना आपका काम नहीं। और रामायण में है और बाबा भी तो कहते हैं जब तुम पूरे डूब जाते हो, क्या जब तुम विषय वैतरे नदी में पूरे डूब जाते हो, चुटिया बचती है, क्या बचती है? चोटी बच जाती है, तो चोटी पकड़ करके खींचता हूँ, तो खींचने वाले का हाथ होगा या वो निराकारी होगा? हाथ होगा, और वो हाथ कौन है? बुद्ध रूपी हाथ जिसे आत्मा कहा जाता है, राम वाली आत्मा है। और वो सीता कौन है जो पृथ्वी में समाई जाती है? कौन है? हाँ वो आत्मा रूपी सीता है, कौन? आत्मा है तो ढेर है, कौन? कन्या माता, कन्याएं भी ढेर है, जगदम्बा, जगदम्बा अभी डूब रही है धरणी में कि ऊपर जा रही है, अभी डूब रही है, डूबते 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 जब पूरी डूब जाएगी, चोटी रह जाएगी ऊपर, क्या? तो चोटी पकड़ के खींच लेंगे। कैसी कैसी कथा कहानियां बनाई है। बोला कि कोई नदी अरब सागर में जो गिरती है वो अरब देश कौन से धर्म वालों का देश है? इस्लाम धर्म वालों का देश है,
दो इस्लामियों की तरफ झुक जाती है नदी, वो भारतीय नदी है या विदेशियों की तरफ झुकने वाली है? किसकी तरफ झुकने वाली है? विदेशियों की तरफ झुकने वाली, हिंद महासागर की तरफ झुकने वाली थोड़ी है। उनका नाम पड़ता है नर्मदा ताप्ती, क्या नर्मदा, नर भी है और मादा भी है, शिखंडी है, ताप्ती तपने वाली है, तपाने वाली है, दुखी होती है और दूसरों को भी दुखी करती है। भक्ति वार वाले जो प्रसाद देते हैं सुखान, जो भक्ति वार वाले प्रसाद देते हैं सुखाने के लिए कि नहीं खाना चाहिए? उन्हें बताओ कि तुम्हारा ये प्रसाद तो थोड़ी देर के लिए जायका देगा, तो जायका खत्म हो जाएगा, और हमें तो भगवान ऐसा प्रसाद, ऐसी प्रसन्नता। उन्हें बताओ प्रसाद माने प्रसन्नता, क्या बताओ? प्रसाद माने प्रसन्न, और हमें तो भगवान ऐसी प्रसाद रूपी प्रसन्नता देता है कि हमें एक बार नशा चढ़ गया प्रसाद का वो उतरता ही नहीं है, हमें तो जायका आता ही रहता है अंदर। जैसे गाय जुगाली करती है ना, ऐसे हम परमात्मा के दिए हुए ज्ञान प्रसाद की जुगाली अंदर ही अंदर करते ही रहते। तो बताओ हम कौन सा प्रसाद खाएं? तुम्हारा अल्पकाल का जायका देने वाला खाएं या सदाकाल का जायका वाला? सदाकाल का जायका वाला हम प्रसाद ले रहे हैं। अब ये प्रसाद आप हमें क्यों दे रहे हैं? क्या कोई कोई फायदा नहीं है? जिसको मानसरोवर मिल गया हो स्नान करने के लिए, तो छोटे से गड्ढे में स्नान करेगा? उसको बिल्कुल दिल नहीं लगेगी, अरे क्या इसमें गड्ढे में स्नान करो भाई करके। जो चीज गाड़ी गई है ड्रामा प्लान अनुसार वो निकाली भी जा सकती है, नहीं निकाली जा सकती? निकाली जा सकती। नर चाहत कछु और है और हो बत है कछु और। उन्होंने उस समय समझा कि भारत तो अविनाशी खंड है, पाकिस्तान थोड़ा ही अविनाशी खंड है, तो पाकिस्तान में कराची थी, कराची राजधानी थी पाकिस्तान की, तो कराची थोड़ी ही बची रहेगी, तो जमीन में गाड़ दो, कराची का विनाश होगा, पाकिस्तान का विनाश होगा, तो इसका भी विनाश हो जाएगा। ये बुद्धि में थोड़ा ही आया, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान पहले सब मिलके भारत ही था, पाकिस्तान नेपाल वर्मा मलाया भूटान ये सब क्या थे? भारत के ही अंग थे। लंका और बताया गया है वो कौन सी आत्मा है? इस परशुराम, वास्तव में परश शब्द नहीं है, परश बिगड़ा हुआ रूप है, इस परश का बिगड़ा हुआ रूप है परश है, परश अर्थ परश मंजन और उपाना, परश माने स्पर्श। उनके पास कौन सा हथियार था? स्पर्श का हथियार था। क्या कौन का? अगर स्पर्श भी हो गया तो स्पर्श मात्र से ही दूसरों के ऊपर असर पड़ जाता था, प्रभावित हो जाते थे। वो परशुराम थे। किसके से हैं? क्या इनका थोड़ा भी संघ का रंग जिनको विदेश में जाके लग जाता है उनके ऊपर विदेशियों का असर लग जाता है? उनकी कोई बीज रूप आत्मा होगी? उसी के नाम परशुराम कर दिया। भगवान का
इसलिए उसका मान दाता नहीं है। बहुत बुरा रंखार है, बहुत बुरा रंखार है। तुम बढ़ा की है तो कहा बो है? अरे पूछो तो कछु चौपाई तो है, हमने मान लिया ना। एक बात बता, अर्थ बताएं। अच्छा, अरे इसका अर्थ तुमने नहीं जाना कि शिव समान दाता ने जो शिव बाबा देता है, ऐसा दाता दुनिया में कोई और है? तो ये तो ठीक बात है, शिव समान दाता नहीं। और आगे विपत्ति विदारण हार, दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति कब पड़ती है? कलयुग के अंत में, जब सारी दुनिया का विनाश होता है। सारी दुनिया हाय हाय करेगी कि सारी दुनिया जय जयकार करेगी? सारी दुनिया हाय हाय करेगी। फिर शिव बाबा के जो बंदे हैं, शिव बाबा के जो बच्चे बनते हैं, वो अपने बच्चों की विपत्ति हरण कर लेता है। जैसे कुरान में लिखा है कि जब कयामत होगी तो अल्लाह मियां अपने बंदों को बहुत सुख देगा। नंदी मतलब बाबा ब्रह्मा के दर में आप नंदी बोला, नंदी के असवार माने सवारी करने वाले, नंदी की सवारी करने वाला शंकर है या गोलमटोल शिव बाबा है? नंदी के ऊपर कौन सवारी करेगा? शंकर सवारी करना। शंकर के ऊपर कौन सवारी करता है? शिव सवारी करता है। तो नंदी का सवार, नंदी के ऊपर कंट्रोल करने वाला शंकर है। शिव बाबा नंदी को कंट्रोल नहीं करने आते हैं। नंदी वाली जो आत्मा है वो दुनिया की सबसे पतित आत्मा है कि उससे भी ज्यादा कोई पतित आत्मा है? नंदी माने ब्रह्मा। ब्रह्मा की सोल दुनिया की सबसे पतित आत्मा है कि उससे भी ज्यादा कोई पतित आत्मा है? ब्रह्मा की सोल सबसे पतित है। हाँ? कौन? राम वाली आत्मा जो ब्रह्मा को भी जन्म देने वाली है संगम में। इसलिए मुरली में पूछते हैं, बाबा ब्रह्मा का बाप कौन, कोई बताए? हाँ, हमें तो मालूम है कौन है। प्रजापिता है। राम वाली आत्मा ब्रह्मा का भी बाप है। और नई सृष्टि जब होगी तब ब्रह्मा की सोल कृष्ण के रूप में, पहली पत्ते के रूप में जन्म लेगी, तो भी उसको जन्म देने वाला कोई होगा कि नहीं होगा? कौन होगा? राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा बाप माने बीज। बाप किसे कहा जाता है? बीज को बाप कहा जाता है। तो बीज है बाप और ब्रह्मा है पत्ता, वो कृष्ण है पत्ता। तो ज्यादा पतित कौन बनता है? राम वाली आत्मा। कैसे? हर बात में राम वाली आत्मा, फिर बताओ कैसे? अरे बीज जब धरणी में बोया जाता है तो धरणी में मिल जाता है या बचा रहता है? हैं? कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज ही एक ऐसी चीज है जो धरणी में जब बोया जाता है तो अपने को खाक में मिला देता है, मिक्स हो जाता है, फिर उसमें से पौधा निकलता है। तो सबसे पतित आत्मा कौन बनती है? वही बीज जो अपने को मिट्टी में मिला देता है, वो ही पतित आत्मा में शिव बाप प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा में नहीं, बाप के रूप में प्रवेश करते हैं।
किसमें प्रवेश करते हैं? राम बलिया। आज देखो मुरली की शुरुआत में ही बता दिया मैं किन के तन में आता हूँ। मैं उन चेतन में आता हूँ जो दुनिया का सबसे पावन बनता है, सबसे जास्ती पावन बनता है। जो सबसे जास्ती पावन बनता है वो सबसे ज्यादा पावन पति भी बनता है। आपका संकल्प नहीं चलता तो अच्छी बात है। बाबा के सामने जाके, बाबा के नजदीक जाके बाबा का संग का रंग ऐसा खींचता है कि बाबा के घर का अनुभव होता है। बाबा का घर परमधाम में है। परमधाम में संकल्प होते हैं? नहीं होते। तो आत्मा कहाँ अनुभव करती है? जैसे हम बाप के घर में पहुंच गए, बाप ने संकल्प, तो घर में पहुंचे हुए बच्चे भी निसंकल्प होने चाहिए। अच्छी बात है। लेकिन फिर भी माया खींचती है कि नहीं खींचती है? हैं? हाँ, यहाँ से उठे और बाहर गए और बस माया ने खींचा। हाँ, नौ पूजा पाठ करते हैं, ले जाते हैं, फिर उनकी पूजा नहीं करते। हाँ, कहाँ ले जाते हैं? डुबोने के लिए ले जाते हैं। तो जब डूबने के लिए ले जा रहे हैं तो पूजा करेंगे? हाँ, इसका अर्थ यही है, जब तुम बेसिक ज्ञान में आई थी तो बेसिक ज्ञान में कितने साल चली? 5 साल चली। 5 साल में तुमने कितनी यज्ञ की, देवियों को देवी माना और उनको तन मन धन समर्पण किया, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, उनको दिया जाके, कितनी देवियों की पूजा की, की कि नहीं की? हैं? रोज पूजा की कि नहीं की? की। फिर बाद में जब एडवांस में आ गई और भगवान का सच्चा परिचय मिल गया तो तुम्हारी बुद्धि में आया, अरे ये तो देवियां नहीं है, हैं? ये तो मिट्टी के लौंदे हैं, क्या ये तो भगवान की गुड़िया हैं, भगवान जैसे नचाता है ऐसे नाचने वाली है। तो फिर उनका महत्व तो खत्म हो गया, महत्व तो खत्म हो गया, तो पता लग गया कि इनको तो भाई डुबो, ले जाके उनको डुबो दिया, फिर पूजा क्यों करेंगे? फिर भगवान की मूर्ति की पूजा करेंगे या देवियों की पूजा करेंगे? जब मूर्तियों की पूजा करते थे तो रोटी से और बेटी से उनकी पूजा करते थे, सारी रोटी दाल घर की उठा के कहाँ दे आते थे? हैं? उन्हीं देवियों के सामने बेटियों को उठा उठा के कहाँ दे आते थे? कहाँ दे आते थे? हैं? उन्हीं देवियों के सामने दे आते थे, अर्पण कर आते थे। बाद में तुम्हें पता, अरे भगवान तो एक व्यापी है, ये खुद भी कहते हैं भगवान एक व्यापी है, फिर अपनी पूजा कराती है, हैं? तो इनकी रोटी बेटी से हम क्यों पूजा करें? ले जाके डुबो दिया। और हाँ, तो उठाओ कहाँ उनको? हाँ, क्या ड्यूटी में रहते हुए? काहे की ड्यूटी? हमें नहीं मालूम तुम्हारा काहे की ड्यूटी है। पुलिस, पुलिस, पुलिस की ड्यूटी है। हाँ। अच्छा, तो कोई आरोपी आता है, कोई चोर आ जाता है। हाँ। उस पर चोर चोरी का इल्जाम लगाया गया। हाँ। तो तुम्हारा तो धर्म है उससे उगलवाओ। हाँ, तो आदेश मिल गया तुम्हारा। उससे उगलवाओ कि चोरी की या नहीं की। लेकिन कच्चा चोर होगा तो बता देगा।
अरे भैया पुलिस है मार लगाएगा और पक्का चोर होगा, काहे का बोझ? तुमको ड्यूटी मिलते हो, पैसे किस बात के मिल रहे हैं? किस बात के पैसे मिल रहे हैं? अच्छा तो रोटी दाल खाओगे, ड्यूटी नहीं निभाओगे? तो फिर ड्यूटी अपनी करो। हाँ टाइम हो गया, आप लोग बोलते भी नहीं, इसलिए ज्यादा लंबा टाइम खींचने से कोई फायदा भी नहीं। और बोलने से हमारा मोड़ा भी लाल हो रहा है। दुनिया में जो गाय दूध ही देती है उन्हें क्यों घर में छोड़ देती है? दूध कहा जाता है जिसमें सारे पोषण पदार्थ होते हैं, शरीर को पोषण करने के सारे पदार्थ कौन से द्रव्य में होते हैं? दूध में। तो जो गैया है बेहद की हद की हो, अगर दूध जैसा पदार्थ शरीर के लिए मन के लिए बहुत सुखदाई है या कम सुखदाई है? दुनियावी पदार्थों के मुकाबले बहुत सुखदाई है। ऐसी सुखदाई चीज होते हुए भी अगर वो गऊएं वो सुखदाई पदार्थ नहीं देती हैं, दुख देती हैं, सुख देने से मुंह मोड़ लेती हैं। तो उसका अंजाम बताया है, ऐसी गऊओं को क्या किया जाता है? कोस घर में काटा जाता है, कसाई उनको काटते हैं। कसाईयों में ज्यादा संख्या मुसलमानों की होती है या हिंदुओं की होती है? गाय काटने वालों में मुसलमानों की। तो ऐसी गैया जो तन की सेवा से, धन की सेवा से, वैसे धन कन्याओं माताओं के पास होता नहीं है, फिर भी जो भी हो, मन की सेवा से, वाइब्रेशन से अगर पालने वाले को सुख देने के निमित्त नहीं बनती हैं, दुखदाई बनती हैं, तो उनका आखिरी असर क्या होगा? किसके हाथ आ जाएंगी? कसाईयों के हाथ आ जाएंगी। और कसाई तो क्या करते हैं? गरसा चलाते हैं या सहज सहज जीवन बिताते हैं? गरसा चलाते हैं, खून खार करते हैं, खून की नदियां बहाते हैं। इसलिए गायों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। ये प्रवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग के राजयोग में राज भरा हुआ है। मनमानी चाल नहीं चलना है। और है ओम शांति, है ओम शांति। आउ माँ तीनों मिलके करें अंति तो ओम क्रांति। आ माने ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु और माँ माने शंकर। तीनों मिलकर के अंत में क्या करेंगे? सारी ताकत कहाँ लगाएंगे? है दुनिया का
अंत करने में सारी ताकत लगा देंगे तो क्या हो जाएगी? ओम क्रांति हो जाएगी। है ओम शांति। हाँ, दुनिया का विनाश होगा तब दुनिया में शांति होगी, यह विनाश होने से पहले ही शांति हो जाएगी है? दुनिया का विनाश होगा शांत दुनिया का, तब ही शांति स्थापन होगी। जब तक अशांत आत्मा इस दुनिया में है, तमो प्रधान आत्मा है, तब तक दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो सकती। और पद्म पदम भाग्यशाली बनने वाले हैं पुरुष और स्त्री दोनों दीवाना मार सकते हैं। हाँ, कन्याएं भी दीवाना मार सकती हैं, भारतवासियों ने ही दीवाना मारा है, माताएं दीवाना नहीं मारती है। हाँ? ज्यादा ताकतवर कौन है? है पुरुषों में भी ज्यादा दिवाला कौन मारते हैं? कुमार मारते हैं या अदर कुमार मारते हैं? अदर कुमार ज्यादा दिवाला मारते हैं। अदर कुमार ज्ञान छोड़ के ज्यादा बेचते हैं है? अदर कुमार तो फिर भी लड़खड़ाते हुए चलते हैं, लेकिन कुमार ज्ञान छोड़ के ढेर सारे के ढेर बैठ जाते हैं। माताएं ज्यादा डटी रहती हैं या कन्याएं कुमार ज्यादा डटे रहते हैं? माताएं ज्यादा डटी रहती हैं, कन्याएं कुमार और अधर कुमार हिलते डुलते रहते हैं और दिवाला भी ज्यादा मारते हैं। और इस ज्ञान को 10 करोड़ आत्मा लेती है। है? इस ज्ञान को 10 करोड़ आत्मा लेती है। 10 करोड़? क्यों 33 करोड़ देवता नहीं बनेंगे? 10 करोड़ आत्मा लेती ज्ञान को। 10 करोड़ जो है वो तो सत्युग त्रेता तक देवता धर्म के आते हैं, और देवता धर्म में वो ही आते हैं जो ब्राह्मण बनते हैं, और जो ब्राह्मण हैं वो 9 कुरियों से आते हैं या सिर्फ सूर्यवंश चंद्रवंश से आते हैं? तो 2 कुरियों के अलावा जो ब्राह्मण हैं वो देवता नहीं बनते हैं। अरे कोई ब्राह्मण किस कुरी का होता है, कोई किस कुरी का होता है? तो सब कुरियों के जो भी ब्राह्मण हैं वो देवता धर्म में नहीं आते हैं? आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे देवी देवता धर्म की आत्माएं द्वापर से आना बंद हो जाती हैं। हाँ, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो भी है राजवर्ग के और प्रजावर्ग के, उनकी संख्या कितनी है? 10 करोड़। उनकी बात अलग है। और सोलह कला संपूर्ण एक कला ही आत्मा की रोशनी या शक्ति का मेजर लेन है। 16 कला संपूर्ण और कला ही आत्मा की रोशनी या शक्ति का मेजर लेन है। हाँ जी, तो भगवान को तो कला की कहा जाता है, उसका मेजरमेंट क्या है? सूर्य का मेजरमेंट होगा, सूर्य की रोशनी का मेजरमेंट निकालेंगे नहीं, फिर भगवान कहाँ रह गया? भगवान को कलाओं में नहीं बांध सकते,
उसकी शक्ति का कोई हिसाब ही नहीं निकाल सकता। वो सर्वशक्तिवान है या नंबरवार शक्तिवान है? और प्रधान बनने की निशानी क्या है? तो प्रधान बनने की निशानी है, संस्कृत गीता में भी बताई गई है, यस्मान नोद्यजते लोको लोकान नोद्यजते चय। जो लोगों को उद्वेग पैदा नहीं करता है और जो लोगों से उद्योग को प्राप्त नहीं होता है वो ही सत्व प्रधान है। जो दूसरों को तंग नहीं करता है और दूसरों से कभी तंग होता नहीं है वो सत्व प्रधान है। छोटी छोटी बातों में तंग हो जाता है, किसी ने कुछ कह दिया सत्यानाश कर दिया मेरा, दुनिया भर में चिल्लाते फिरेंगे, इधर शिकायत करेंगे उधर शिकायत करेंगे, सारा घर परिवार गांव हिला के रख देंगे। तो तमो प्रधान है या सतो प्रधान? तमो प्रधान है। जो ऊंची स्टेज में होगा, हवाई जहाज पे ऊपर चढ़ते हैं तो दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें छोटी दिखाई देती हैं या बड़ी दिखाई देती है? छोटी दिखाई देती है। तो जितनी ऊंची स्टेज होगी, सत्व प्रधान स्टेज होगी, उतना हर बात को पहाड़ को रुई बनाएंगे, तिल को तार नहीं बनावेंगे। हाँ जी, शरीर सड़ने नहीं चाहिए। माने प्रकृति के पांच तत्व सन 36-35 तक और ही तमो प्रधान नहीं होंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। पहले प्रकृति के पांच तत्व सतो प्रधान बनेंगे। जो प्रकृति जड़ है, तत्व भी जड़ हैं, या पहले आत्मा सतो प्रधान बनेगी? आत्मा पहले सतो प्रधान बनेगी। आत्माएं जब सतो प्रधान बन जाएंगी, कितनी आत्माएं कम से कम है? नहीं, 9 लाख प्रवेश करने वाली भी और जिनमें प्रवेश होना है वो भी। जब 9 लाख आत्माएं सत्व प्रधान बन जाएंगी तो 9 लाख के वाइब्रेशन से जड़ प्रकृति ऑटोमेटिक सत्व प्रधान बनेगी। तो जड़ प्रकृति में शरीर आता है या नहीं है? तो पहले सत्व प्रधान बन जाएगा। शरीर भी पांच तत्वों का पुतला है। शरीर में कोई चाहे हम भगवान के बच्चे बन गए तो हमारा शरीर सत्व प्रधान होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए। ये सब अज्ञानता की बातें हैं। औरों को बेफिक्र बनाने का साधन क्या है? औरों को बेफिक्र बनाने का साधन क्या है? खुद बेफिक्र बन जाओ। अरे खुद बनेंगे तब तो दूसरों को बना सकेंगे। है जब मैं 3 साल की थी तो मैंने बत्ती की थी, अब मैं 9 साल की हूँ, मेरी फिर से बत्ती करने की इच्छा है,
तो कर सकती हूँ क्या? ये तो इसमें लिखा नहीं सरेंडर है कि नॉन सरेंडर है, है? नॉन सरेंडर है तो नॉन सरेंडर, जब सरेंडर होगी तो ऑटोमेटिक बत्ती हो ही जाएगी। सेवा का फिक्र बताया है, है? सेवा का फिक्र, सेवा औरों को बेफिक्र बनाने का साधन, सेवा का औरों को बेफिक्र बनाने का साधन है खुद बेफिक्र बनना। सेवा का फिक्र, सेवा का, सेवा का फिक्र, सेवा से बेफिक्र होना, सेवा का फिक्र करना, खुद के अंदर सेवा की फिक्र होगी तो दूसरों को भी बनाएंगे। जो कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे। रामायण में दिखाया है अनुसुईया सीता को एक साड़ी देती है जो कभी मैली नहीं होती, वो साड़ी सीता अशोक वाटिका में पहनती है। वेद में इसका अर्थ क्या है? सीता का पार्ट किसने नहीं जाना होगा वो ये प्रश्न पूछेगा। सीता का पार्ट क्या है? है? हाँ वो तो है शीतल स्वभाव वाली है। सीता भी निकली तो राधा भी निकली, वो सीता कौन है? है? अरे सीता का पार्ट ही नहीं मालूम किसका है? कौन है? छोटी मम्मी का, छोटी मम्मी को रावण ले जाएगा। रामायण में सारी कथा राम सीता के ऊपर आई है तो रावण किसको ले गया? सीता को ले गया। बल सीता को रावण ले जाता है, अपने अंदर में रखता भी है, परंतु साड़ी कौन सी है? है? साड़ी किसे कहा जाता है? ये शरीर रूपी वस्त्र को ही साड़ी कहा जाता है। अगर कोई बांधेली माता है और उसका पति उसको जबरदस्ती तंग करता है, गड्ढे में डालता है या हाथ पांव भी बांध देता है, लेकिन मन बुद्धि से वो ऊपर उड़ जाती है, तन का कोई सुख नहीं लेती, तन का सुख मन से लिया जाता है या सिर्फ इंद्रियों से लिया जाता है? मन अगर काम नहीं देगा, साथ नहीं देगा तो इंद्रियों से कोई सुख नहीं ले सकता। तो सीता का जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि रूपी आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है, वो पवित्र हुआ या अपवित्र हुआ? पवित्र ही कहेंगे। तो ऐसी पवित्रता रूपी साड़ी अनसुईया से मिलती है। अनसुईया का पार्ट ही काशी नगरी का है, योगिनी माता का है।
बाबा ने मुरली में कहा है बेहद का बाप एक है, 17169 की मुरली में तारीख भी दे दी। फिर 17169 की ना, फिर एक वाणी में कहा है कि बेहद के बाप दो हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा शरीर का बाप। तो शरीर का बाप कौन है? जो शरीर का बाप है वो अंत में आवेगा क्या? अरे दोनों बाप एक साथ आते हैं, एक ही शरीर में आते हैं, एक ही पर्सनालिटी में। इसलिए बेहद का बाप एक भी है। लेकिन उस एक पर्सनालिटी में आत्माओं का बेहद का बाप अलग और मनुष्यों का बाप, मनुष्य आत्माओं का बाप अलग है। अंत में आवेगा या आदि में ही दोनों इकट्ठे हो जाते हैं? आदि में ही दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा से विष्णु मगर ब्रह्मा का तो शरीर छूट गया, तो वो ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनेगा? अरे विष्णु पावन होता है या पतित होता है? और ब्रह्मा, ब्रह्मा तो पतित का नाम है। शरीर छोड़े बगैर पावन कैसे होगा? पतित शरीर छोड़ना पड़े या नहीं छोड़ना पड़े? है या तो हद में छोड़े या तो बेहद में छोड़े। बेहद में कैसे छोड़ा जाता है? मन बुद्धि रूपी आत्मा शरीर के अटैचमेंट से अलग हो जाए। तो शरीर छूटा हुआ है या जुटा हुआ है? छूटा हुआ है। जो 4.5 लाख मनुष्य आत्माओं में प्रवेश करेंगे, तो जिनमें प्रवेश करेंगे वो आत्माएं ज्ञान बिना रह जाएंगी? अरे ज्ञानी तू आत्मा किसे कहा जाएगा? ज्ञानी तू आत्मा कहा जावे और ज्ञान सुनावे भी नहीं, तो ज्ञानी तू आत्मा कहा जावेगा? तो जिनमें प्रवेश करेंगे वे आत्मा ज्ञान के बिना कैसे रह सकती हैं? उन्हें तो पहले ज्ञानी तू आत्मा बनना पड़े, प्रूफ देना पड़े ज्ञानी तू आत्मा का। अगर कोई को ज्ञान सुनाते ही नहीं है तो ज्ञानी तू आत्मा का एक है। छुपा रुस्तम बाद में खुले, इसका रहस्य क्या है? दुनिया में सबसे जास्ती छुपा रुस्तम कौन है? हम ज्ञान में बोलते भी अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया, वो कौन सा पार्ट है, कौन सी आत्मा का जो सब कुछ करके अपने आप को छुपाए देता है? है शिव बाप या शिव बाबा? शिव बाबा
सारा कार्य संपन्न करने के बाद खुद छुप जाता है। और माताओं के हाथ में सारी राजाई आ जाती है। शिव बाप आते हैं तो राजाई किसको देते हैं? कन्याओं माताओं को राजाई देते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? कन्याओं माताओं को आधीन बनाते हैं। और भगवान क्या करते हैं? कन्याओं माताओं को स्वाधीन राजा बनाकर जाते हैं। जगदम्बा और उनकी भुजाओं में सारी राजाई आ जाती है। सब गायन होता है, राज करेगा खालसा। जो बच्चे अपना पोता मेल नहीं रखते हैं वो ऊंच पद में आवेंगे कि नहीं? सच्चे दिल पर क्या साहब राजी, सच्चा दिल होकर के बाप को अपना पूरा पोता मेल ही नहीं देंगे, सब कुछ छुपा के रखते रहेंगे, तो बाप उनके ऊपर राजी होकर के राजाई का वर्षा देगा? जब राजाई का वर्षा ही नहीं देगा तो पद कहां से बनेगा? बाबा आज जितनी आत्माएं एडवांस में बैठी हुई हैं, ज्ञान सुन रही है, वो सब आत्माएं 4.5 लाख बीज रूप में आवेंगी कि नहीं? है बताओ, है? बीज पूरा पक जाता है तब पक्का बीज बनता है, या कच्चा बीज रह जाता है तो पैदा होता है? हा? जैसे आम का बीज है, छोटा सा आम ही तोड़ लिया और उसका बीज निकाल लिया, बो दिया जमीन में, तो वृक्ष निकलेगा नहीं? बनेगा। क्यों? क्योंकि बीज पका नहीं। तो यहां भी ऐसे ही है, जो पक जावेंगे उन 4.5 लाख की बात है, जो कच्चे रह जाते हैं उनकी बात नहीं है। ओम शांति।